क्या हाल चाल? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बार फिर से हम लोग क्लास टेंथ के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम लोग आज एक बार फिर से जो कि लाइफ प्रोसेस हमने उनका फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी से उठाया है उसी का आज हमारा पार्ट 4 होने वाला है। 1, 2 और 3 ये तीनों पार्ट हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है और आज बारी है हमारे पार्ट 4 की। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले सभी टॉपिकों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है इसका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है और आज हम आपको मेन जो हमने अपने पार्ट 03 में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाया था उसका उसमें तीन टाइप होते हैं हमारे। कौन कौन से? सबसे पहला होता है सेप्रोफिटिक, दूसरा हमारा होता है पैरासिटिक और तीसरा हमारा होता है होलोजोइक। तो सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक में सेप्रोफिटिक हमने उस पार्ट में कंप्लीट करवा दिया था और हमने कहा था जो बी और सी मतलब पैरासिटिक और होलोजोइक है उसको आज हम लोग पार्ट 4 में कंप्लीट करवाएंगे। तो उसकी बारी आज आ चुकी है बच्चों और आइए देखिए हमारा जो ये सेप्रोफिटिक के बाद में पैरासिटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है उसका क्या नाम है? सबसे पहले चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इसका पार्ट आज हमारा 04 होने वाला है और क्लास टेंथ का तो है ही है, तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो देखिए जो टाइप्स ऑफ हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसमें सेप्रोफिटिक में क्या था अगर हम लोग आपका एक बार फिर से रिविजन करवा दें तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि दोज ऑर्गेनिज्म, उनको या तो ऑर्गेनिज्म कहिए या तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे फंगी हैं और एल्गी है जो कि हम नेकेड आई से अपने ज्यादातर देख भी नहीं पाते, वो सब क्या करते हैं? मोस्टली वो सब करते हैं हमारे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब जो डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंडेंट रहे, जो चीज हमारा बेकार हो गया है, सड़ गया है, उस पे जो ऑर्गेनिज्म हमारे डिपेंडेंट रहे उसको हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में अपने लेते हैं। ठीक, एग्जांपल में हमने आपको बताया था मशरूम, फंगी। मशरूम भी हमारा जो चीज कहीं सड़ जाती है, जैसे मान लीजिए कोई बरसात में पेड़ है वो टूट गया, उसके बाद सूख गया, सूखने के बाद अगर उस पे थोड़ा सा भी पानी पड़ा, मॉइस्चर जहां भी टच हुआ वो तुरंत क्या करेगा, वहां पे मशरूम उग जाएगा। उससे क्या होगा, वो हमको दिखाएगा कि यहाँ पे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो रहा है। या हमारे गांव में कभी कभी देखिए जब हम लोग गांव जाते हैं तो गांव में हमको देखने को क्या मिलता है बच्चों? गांव में हमको देखने को मिलता है जहां पे गोबर को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे जब वो बिल्कुल सड़ जाता है, बिल्कुल खाद बन जाता है, तो वहां पे हमको बहुत सारे मशरूम बरसात के टाइम में देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें हमने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करवाया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए क्योंकि आपके डिस्क्रिप्शन में वो पड़ा है और उसके बाद में ये लेक्चर आप लोग अब शुरू करिए। तो देखिए उसके बाद क्या था, सेप्रोफिटिक मतलब जो डेड एंड डीके पे डिपेंडेंट रहे हेटरोट्रॉप में। ठीक, अब देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन हमारा क्या कहता है? तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन हमारा कहता है कि दोज, देखिए क्या कहता है, व्हेन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम होस्ट, मतलब कि जब कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट रहे होस्ट पे। होस्ट क्या होता है? हमारी बॉडी जो है वो होस्ट है किसके लिए? जो जीव हमको नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे मच्छर, मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो क्या है? हमारी बॉडी को एज अ होस्ट यूज करता है। क्यों? क्योंकि हमको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, हमारा जो ब्लड है उसको सक करेगा, उसको पिएगा, वो तो जिएगा लेकिन नुकसान हमारा होगा, हमारा हमारे बॉडी को होस्ट की तरह यूज करेगा और हमको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, तो व्हेन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम होस्ट और इफेक्ट अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली विदाउट किलिंग देम सेड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बिल्कुल टॉप ब्रांड का आपके लिए डिफिनीशन ढूंढ के हम लोग ले आए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। टॉपिक आपका पूरा एनसीईआरटी से मैच करेगा लेकिन जितना ज्यादा आसान भाषा में हो सकेगा उसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखिए व्हेन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम होस्ट, मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट से अपना फूड ले, मतलब जैसे मॉस्क्यूटो है हमारी बॉडी के अंदर रहता है या हमारे बॉडी में जो ब्लड रहता है उसको वो क्या करता है, वो उसको सक करता है और सक करके खुद का पेट भरेगा, खुद बढ़िया जिएगा और हम सबको नुकसान पहुंचाएगा। या तो क्या है, इसको और भी किस तरह से समझ सकते हैं हम लोग, और इफेक्ट अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली विदाउट किलिंग देम, जैसे जोंक, लीच,
लीच क्या करती है, हमारे बॉडी पे चिपक जाएगी, जानवरों के बॉडी पे आके चिपक जाएगी। और क्या करेगी वो, जब चिपक जाएगी तो उनके जो खून है उसको सक करेगी, खींचेगी अपने अंदर और बड़े आराम से खून पिएगी। और जिसके बॉडी से वो खून पिएगी उसको क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। विदाउट किलिंग देम, बिना उनको मारे हुए। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको दिख रहा है, क्या है, विदाउट किलिंग। देखिए विदाउट किलिंग का क्या मतलब है कि जो हमारी जोंक होती है, जो हमारे मच्छर होते हैं, वो सब हमको मारते थोड़ी हैं, लेकिन हमसे अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं बड़े आराम से। ठीक, अब देखिए बच्चों, इनको हम लोग रखते हैं कहां पे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर इनको हम लोग रखते हैं। अब देखिए, ऑर्गेनिज्म सेड एज पैरासाइट, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। तो मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आ जाए कि दोज ऑर्गेनिज्म हु हैव पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर नोन एज, कि जिन जानवरों के पास, जिन जीवों के पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन रहता है उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं पैरासाइट। ठीक, उनको हम कहते हैं पैरासाइट। तो ये एक बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, इसको आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, इट कैन बी एन एनिमल और प्लांट। अब मान लीजिए जो हमको पैरासिटिक मतलब पैरासाइट, जो हमको पैरासाइट की तरह यूज कर रहा है, जो खुद तो एक पैरासाइट है, मतलब हमको नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वो हमारी बॉडी से हमको नुकसान पहुंचा के खुद का क्या कर रहा है, खुद का फायदा कर रहा है, तो या तो वो जानवर होगा या तो प्लांट हो सकता है। और आपके एनसीईआरटी में मेन एग्जांपल आपको दिया गया है एनिमल्स वाला, तो अभी हम आपको सिर्फ एनिमल्स वाला ही कवर करवा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अ पैरासाइट मे रिसीव इट्स फूड बट गिव नो बेनिफिट टू देम। अब आप लोग एक चीज बताइए, मच्छर हमको काटता है तो हमारे लिए चॉकलेट लेके आता है, हमको गिफ्ट देता है कि भाई तुम हमको खून दे रहे हो, लो हमारी तरफ से तुम्हारे लिए चॉकलेट लाए हैं, 5 रुपए वाले डेयरी मिल्क। नहीं, वो ऐसा काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाता है। ठीक, वो हमारी बॉडी को एक होस्ट की तरह यूज करेगा, हमको नुकसान पहुंचाएगा और खुद का वो फायदा कर लेगा, बस डेयरी मिल्क तक वो बात नहीं पहुंचने देगा। तो वही ये वाला हमारा पॉइंट बता रहा है कि अ पैरासाइट मे रिसीव इट्स फूड, मतलब जो पैरासिटिक टाइप के हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना, वो अपना फूड तो हमसे खींच लेंगे, हमसे छीन लेंगे, जिस तरह से भी हो सकेगा, बट गिव नो बेनिफिट टू देम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबके समझने के लिए है। अब देखिए बच्चों, लास्ट में हमारा क्या है इसका टॉपिक, मोस्ट ऑफ डिजीज विच इफेक्ट मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब क्या होता है, जो हम जीव अपने घर में डोमेस्टिक एनिमल जो हम पालते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, तो जितने भी हमारे मैनकाइंड, घोड़ा है, मैनकाइंड मतलब हमारे यूज में जो ऑर्गेनिज्म हमको फायदा देते हैं उनको क्या करता है, जैसे दैट इज डॉग एंड कैट एंड क्रॉप। क्रॉप मतलब क्या होता है, क्रॉप मतलब होता है कि जो चीज हम अपने खेत में बोते हैं। ठीक, जो चीज हम अपने खेत में सोन करते हैं या उसको लगाते हैं, उसको बो देते हैं, जो कि हमको सीजन बाय सीजन प्रॉफिट देता है लगातार, तो इन सब चीजों को पैरासाइट क्या करते हैं, पैरासाइट इफेक्ट करते हैं, इन सब चीजों को क्या करते हैं, उनके ऊपर क्या कर देंगे, हमारे मैनकाइंड वाले जो जितने भी जीव हैं, जितने भी सामग्री हैं, उन पे क्या डाल देंगे, उन पे डाल देंगे इफेक्ट और अपना कर लेंगे फायदा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं पैरासाइट के। तो देखिए हमारे एग्जाम्पल क्या है पैरासाइट के बच्चों, तो सबसे पहले हमारा है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का मतलब क्या होता है, प्लाज्मोडियम हमारा जो है वो आता है मच्छरों के कैटेगरी में, जिसमें मेनली हमारे इफेक्ट करता है मलेरिया। ठीक, तो देखिए प्लाज्मोडियम में कई सारे तरह के होते हैं, जैसे है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, ठीक, और क्या है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो ये सब हमारे कुछ जो कि जीनस के नाम है प्लाज्मोडियम में, जो कि हमारे मलेरिया डिजीज को फॉर्म करते हैं। आपको मान लीजिए नाम कठिन लगे, तो अभी आप लोग कक्षा 10 के बच्चे हैं, अगर थोड़ा बहुत याद कर लेंगे यार, तो टीचर बिल्कुल मान के चलिए कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो हो सकता हो 11 नंबर दे दे, हमारे गुरुजी हमको दे चुके हैं तब हम आपको बता रहे हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। जब आप लोग याद रखेंगे तो थोड़ा सा आपका जो लिखने वाला टॉपिक अट्रैक्शन
टीचर को वो थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं एग्जांपल क्या है पैरासाइट का, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सी फेरम है, जो कि मेन मच्छर के कैटेगरी में आते हैं, मलेरिया फैलाते हैं और हमको एक होस्ट की तरह यूज करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म क्या होता है? राउंड वॉर्म जो हमारे पेट में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जब आप लोग मान लीजिए अभी तो आप लोग या सबको अभी ही नहीं पूरी लाइफ हमको हर 6 महीने में एक गोली पेट में जो हमारे कीड़े होते हैं एक टैबलेट ले लेनी चाहिए पर 6 मंथ में एक बार। क्यों? क्योंकि आजकल जो हमारा जीवन चल रहा है वो बड़ा कठिनाइयों से गुजर रहा है, बिना समोसा के हम चल नहीं पाएंगे ठीक, और मोमोज हमको एक आध हफ्ते में 4-5 बार तो चाहिए ही चाहिए, बर्गर तो हमारा रोज ही चलता है ठीक है, हो सकता है कुछ लोग पिज्जा वाले भी देख रहे हों। तो जितने भी ये सब चीज हैं, ये सब क्या है? ये सब हमारे ऑयली फूड हैं। ऑयली फूड क्या करते हैं? हमारे पेट में बहुत सारे दिक्कत को लेके चले आते हैं, समस्या हमारे पेट में पैदा कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पेट में राउंड वॉर्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जो बच्चे गांव में रहते हैं, छोटे रहते हैं, वो जो भी पाते हैं अपने डायरेक्ट मुंह में डाल लेते हैं ठीक। मान लीजिए मिट्टी में कोई बच्चा खेल रहा है, मिट्टी से क्या हुआ, उससे राउंड वॉर्म के जो इंसेक्ट थे वो उसके पेट में चले गए और वहां पे कीड़े बन गए। तो इसीलिए छोटे बच्चों को अधिकतर राउंड वॉर्म के जो इफेक्ट करे, मतलब इनके ग्रोथ को कम कर दे, उसका टैबलेट इनको दिया जाता है। और ये भी हमारे बॉडी में जाके जो न्यूट्रिशन होता है वो उसको लेते हैं और हमारे पेट में घाव कर देते हैं, और ये भी पैरासाइट की तरह ही काम करते हैं। अब देखिए बच्चों, और क्या है? अगला हैशटैग पॉइंट है हमारा मलेरिया। मलेरियल डिजीज में क्या होता है? मलेरिया डिजीज इज ऑल्सो काउंटेबल इंटू पैरासाइट। जो मलेरिया है, मलेरिया क्या होता है? मेनली मच्छर से फैलता है, फीमेल एनोफिलीज मच्छर होता है, भी हम आपको नीचे बताएंगे। देखिए यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं फीमेल एनोफिलीज, और इससे क्या होता है, इससे जो मलेरिया का स्प्रेड है, ग्रोथ है, वो बहुत ज्यादा तेजी से होता है। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि मलेरिया डिजीज किस मच्छर या मॉस्किटो के काटने से होती है, तो क्या है? फीमेल एनोफिलीज। तो इसको आप लोग बता दीजिएगा, मेल वाले हम लोग बच्चे हैं, फीमेल ही है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चों, अगला हमारा हैशटैग पॉइंट क्या है? राउंड वॉर्म विच कॉज डिजीज इनसाइड बॉडी ऑफ मैन, एग्जांपल एस्केरिस लुम्ब्रियो क्वाइट्स। वही राउंड वॉर्म जो कि हमारे पेट में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, उसका नाम है, एक आध का नाम पकड़ के साइंटिस्ट लोग दे दिए हैं आपके बुक में एनसीईआरटी वाले, और उसमें क्या है एग्जाम्पल एस्केरिस लुम्ब्रियो क्वाइट्स ठीक। तो यहां तक हमारा जो पैरासाइट वाला टॉपिक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको होलोजुइक, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन, जो कि हम लोग टेक करते हैं, उसको बताने चल रहे हैं। अगर आप लोगों को लिखने का मन हो तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, इस स्लाइड में हमारा क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का थर्ड एंड लास्ट टाइप है, जिसका क्या नाम है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, अभी हमने देखा पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अब बारी है होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, फिर से अगर हम आपको क्लियर करवाएं तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या था, जो हमारे बिल्कुल लोअर ऑर्गेनिज्म थे, जैसे फंगी था, मशरूम था, प्रोटोजोआ था, एल्गी था, जिनको हम ठीक से देख भी नहीं सकते, वो डेड एंड डीके पे डिपेंड थे। दूसरा भी हमने देखा पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या है? पैरासिटिक हमारा क्या है, जो हमको नुकसान पहुंचा के अपना फायदा ले, जैसे मॉस्किटो है, लीच है, और क्या है, राउंड वॉर्म है, एस्केरिस है, ये सब हमारे कहां आएंगे, ये सब हमारे आएंगे पैरासिटिक में। अब है फाइनल होलोजोइक। होलोजोइक मतलब भाई मच्छर वच्छर सबको खिला दिए, हम सब भी तो कुछ खाएंगे, तो अब हमारी बारी है। तो देखिए हमारी बारी कहां से शुरू होती है, हमारी बारी शुरू होगी होलोजोइक न्यूट्रिशन से। इसमें क्या है बच्चों, इट मींस दैट, इसका मतलब क्या है, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, मतलब कि हम लोग डिपेंडेंट होते हैं सॉलिड फूड पे, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कौन कौन सी, पनीर वाली ठीक है, तो बेहतरीन बेहतरीन जो हमारा खाना होता है उस पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, तो कहां पे आएगा, वो आएगा हमारा होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में ठीक, विच में बी प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट। अब देखिए वैसे तो इसमें कुछ भी खा सकते हैं, खाने वाले तो बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन शुद्ध शाकाहारी होके हमको रहना चाहिए। तो होलोजोइक में हम लोग प्लांट पे भी डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे गेहूं, चावल, ये सब हमारे पेड़ से आते हैं बेहतरीन। कुछ लोग एनिमल प्रोडक्ट का भी यूज करते हैं, जैसे मीट हो गया, एग हो गया, तो उसमें भी डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये सब हमारा
कहाँ आता है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में। ठीक, अब देखिए उसके आगे क्या है बच्चों, मोस्टली हायर एनिमल लाइक मैन टाइगर लायन ईटीसी, कुछ इस प्रकार के जो हमारे जीव जंतु दिख रहे हैं, जैसे हम लोग आदमी है मैन, लायन माने शेर, टाइगर मतलब चीता, मोदी जी छुड़वाए हैं ना, टाइगर है क्या है, कुछ तो है ही है वो। तो देखिए यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं वो सब कहाँ से आते हैं, मैन है, टाइगर है, लायन है, ये सब हमारे मोस्टली हायर ऑर्गेनिज्म, हायर एनिमल जो है ये सब होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब देखिए टेक फूड बाय प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, और खाना किस प्रोसेस से लेते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, इंजेक्शन का मतलब होता है खाने को अंदर लेना, टेक करना, इसको कहते हैं इंजेक्शन। इन कहां से शुरू होगा, आई वाला। ठीक, ये देखिए ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये समझ लीजिए आप लोग, क्यों, क्योंकि इंजेक्शन और इजेक्शन, खाने को अंदर लेना और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, बायोलॉजी में दो टर्म हमारे मोस्टली यूज होते हैं, जिसमें पहला है इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब खाने को इनटेक करना, और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना इजेक्शन। ठीक, तो बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन हम लोग खाने को इनटेक करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोग को दिख रही है, रिएक्शन क्या है, इंजेस्टेड फूड। अब देखिए इंजेक्शन प्रोसेस द्वारा खाने को जब अंदर लिया गया, मतलब हम लोगों ने खाना खाया, तो उस प्रोसेस से इंजेक्शन प्रोसेस से जब हम लोग खाने को अंदर खाएंगे तो उसको कहेंगे इंजेस्टेड फूड। देखिए इंजेक्शन से इंजेस्टेड फूड, ये देखिए दोनों टर्म आपस में मिलते जुलते लग रहे हैं, इंजेक्शन से इंजेस्टेड फूड, इसको भूलिएगा नहीं। वो क्या होगा, जब हम लोग उसको अंदर लेंगे तो क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। भाई खाने का डाइजेशन हमारे 20% तो मुंह के अंदर ही हो जाता है, जैसे हम खाने का निवाला अपने मुंह में रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे मुंह में है सलाइवरी ग्लैंड, वहां से सलाइवा निकल के तुरंत क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं खाने को, उनको क्या कर देता है, उनको ब्रोक डाउन कर देता है और डाइजेस्ट कर देता है। तो क्या है यहाँ पे कि जैसे हम खाने को अंदर लेंगे तुरंत डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा, और खाने को खाएंगे कैसे, वैसे जैसे लिए थे, नहीं, ब्रेक डाउन करके अपने दांतों के मदद से, तो उसको क्या करेंगे, चबाएंगे खाने को बेहतरीन तरीके से। अब किसमें बदल जाएगा, वो बदल जाएगा सिंपलर सबस्टेंस में। ठीक, जब उसको बेहतरीन हम लोग च्यू करेंगे अपने मुंह के अंदर तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, वो सिंपल सबस्टेंस में बदल जाएगा, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स फूड था। ठीक, उसके बाद देखिए वो दो तरह से होता है, किस तरह से होता है, दो तरह से होता है। तो देखिए एब्जॉर्ब फूड क्या है, हमारा इंजेक्शन में ब्रोक डाउन जो होता है उसमें देखिए टू टाइप है हमारे, पहला टाइप है एब्जॉर्ब फूड, दूसरा है अनएब्जॉर्ब फूड। अब देखिए एब्जॉर्ब और अनएब्जॉर्ब क्या है, ये थोड़ा आगे का टर्म है, लेकिन अगर यहां हम आपको सिंपल भाषा में समझाएं तो जो खाना हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे सेल तक पहुंच जाए वो है एब्जॉर्ब फूड। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर हमारी है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं हम लोग किचन ऑफ द बॉडी। जैसे आपके घर में किचन है, बढ़िया, गए फ्रिज खोले और वहां से निकाल लिए बेहतरीन बेहतरीन आइटम, भूख लगी खा लिया गया, तो हमारे सेल के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे खाना बनता है। तो जितने खाने, जितना हमारा जो सिंपल सब्सटेंस है वो हमारे सेल के अंदर जाएगा वो एब्जॉर्ब फूड के कैटेगरी में आएगा, जो सेल तक नहीं पहुंच पाएगा वो अनएब्जॉर्ब कैटेगरी में पहुंचेगा। तो देखिए गो इनसाइड सेल, और जो अनएब्जॉर्ब है वो क्या होगा, इजेशन हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, थ्रो आउट फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक, तो यहां तक हमारा क्या है, ये वाला टर्म कंप्लीट होता है। अब देखिए इसमें कुछ हमारे एग्जांपल दिए गए हैं बच्चों, एग्जांपल में हमारा क्या है, जैसे ह्यूमन बींग बाई माउथ, हम लोग खाना खाते हैं अपने मुंह के द्वारा बाई माउथ, और दूसरा है अमीबा। ह्यूमन और अमीबा दो टर्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अमीबा में क्या है बच्चों, अमीबा थ्रो स्यूडोपोडिया, अमीबा कैसे खाना खाता है, थ्रो स्यूडोपोडिया। अब स्यूडोपोडिया क्या है, ये नया टर्म है, टर्म नया है, जरूरी भी बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये मान के चलिए कि पूरी जिंदगी में बच्चों को ये टर्म नहीं याद हो पाता कि असल में क्या लिखा था, इसको बोलने में लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क यही है कि 101 बार आपको स्यूडोपोडिया लगातार कहना है, जिससे आपकी टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगी,
कंप्लीट हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा स्यूडोपोडिया है वो अमीबा का माउथ है, तो भाई माउथ से ही आदमी खाना खाएगा, तो खाना किस प्रकार से खाएगा, अमीबा को हम लोग जानते हैं कि बिल्कुल उसका कोई शेप और साइज नहीं होता, उसकी बॉडी किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये अमीबा बन गया ना, हम देखे नहीं है, बता रहे हैं आपको किताब से। ठीक, तो उसी तरह से हमने यहाँ पे इसको लिखा है, क्या लिखा है, जैसे हमारा ये अमीबा हमने दिखाया है, ठीक, इसके बाद क्या है, इसका फूड है। ठीक, अब ये क्या करेगा, अपने बॉडी को उस फूड के तरफ ले जाएगा, बढ़ा देगा उस तरफ बॉडी को, ठीक है, खाना, तो ये धीरे 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 अपने शेप को बढ़ाया और खाने को अंदर कर लिया अपने बॉडी को। इस पार्ट को इसने क्या किया, अगर आप लोग इमेजिन करेंगे तो इस पार्ट को इसने यहाँ से ऐसे धीरे धीरे बढ़ाया और खाने को इनटेक कर लिया। ठीक, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद क्या हुआ, इनसाइड स्यूडोपोडिया मतलब माउथ के अंदर उसके खाना पहुंच गया, और लास्ट प्रोसेस में हमारा क्या दिखता है बच्चों, कि जो खाना है वो स्टोमक जैसे हमारे पेट में होता है, क्योंकि हम सब हायर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो अमीबा में फूड वैक्यूल के अंदर खाना चला जाता है। तो यहां तक हमारा कंप्लीट होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का लास्ट पार्ट, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। आशा करता हूं कि आप लोगों को जितने भी हमारे ये वीडियो हैं चारों पार्ट, इसमें अब तक कोई डाउट नहीं रह गया होगा, आप लोग मन लगा के पढ़िए, जितना हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है उतना मोर देन सफिशियंट है, इसके आगे आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चैप्टर और भी न्यू सब्जेक्ट हम आप लोगों के लिए शुरू करने चल रहे हैं धीरे धीरे, तो इसी तरह से हमारे चैनल पे सपोर्ट बनाए रहिए। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।